नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मोहना मंडी में है और हमें गुलशन ओनियन कंपनी गुलशन भाई के पास प्याज में क्या बाजार देखने को मिल रहा है। देसी प्याज की आप ट्रॉलियां काफ़ी देख सकते हैं, ऊपर नीचे सुबह तो ऊपर नीचे खड़ी हुई थी, अब थोड़ा सा कुछ माल बिक गया। तो गुलशन जी से जानेंगे आज क्या बाजार देखने को मिला। चलिए, कैसे हो सर? बढ़िया यादव जी, बहुत बढ़िया सर। तो सर आज प्याज में क्या बाजार खुला सर? प्याज की बाजार है भाई साहब, देखो लाल प्याज है जो तो मथानी वाली बिक रही है 12 रुपए से लेकर 14 रुपए किलो। अच्छा जी सर। और सर पीली पत्ती वाली? पीली पत्ती प्याज बिक रही है 10 रुपए से 12-13 रुपए किलो, मतलब 13-14 से ऊपर कोई बाजार नहीं है? 12-13 में भी बिक्री नहीं है, ग्राहक नहीं है, प्याज खूब खड़ा है। अच्छा, पीली पत्ती में तो खास तौर से ग्राहक ही नहीं है। तो सर आवक ज्यादा होगी, बरसात के मौसम में इसकी बिक्री थोड़ी कम ही रहती है। अच्छा जी, अच्छा। और सर अगर बात करें नासिक वाले की? नासिक वाला प्याज बिक रहा भाई साहब देखो 17-18 रुपए, को बहुत वीआईपी हो तो 19-20 रुपए। अच्छा जी, 19-20 का तो कोई एक आध लोट बिकता होगा। वीआईपी माल हो माशाखोरी तो बिक जाते हैं बहुत ही, बिल्कुल हर चीज बिक जाती है। बिल्कुल, और बढ़िया तो ऊपर बिक जाता है। सर माल कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से एरिया है? सभी एरिया के आ रहा है, अब तो राजस्थान के माल है 90%-80%। अच्छा जी, बीकानेर साइड से भी आ रहा है, कुचामन, पूरे राजस्थान पे आ जाए, इस तरह की हालत लगी पड़ी है। और सर जो चाइनीज माल है उसकी? वो चाइनीज माल बिक रहा है 12 रुपए किलो, ऊपर में 12 रुपए। अच्छा जी सर, तो आवक की बात करें तो आवक कितनी होगी सर आज? आवक तो बहुत ही फुल है मंडी में, बिक्री से ज्यादा आवक है। अच्छा जी, नासिक की बात करें, नासिक की कितनी गाड़ी? नासिक 5-4 गाड़ी आती है अब तो। अच्छा जी, अच्छा। और सर शनिवार से और आज की तुलना करें तो तेजी है या मंदी? माल पूरा है, भाव वही है, पीली पत्ती प्याज में 1 रुपया भाव नरम है, ग्राहक ही नहीं है। अच्छा जी, उठाव कम है लोकल पीली पत्ती का। बिल्कुल, बिल्कुल। लाल प्याज फिर भी अपने भाव से बिक रही है, बढ़िया बिक रही है, अच्छी क्वालिटी के प्याज 14 बिके, गोपालगढ़ गाड़ी आई है 15 भी बिकी है। बिल्कुल सर, ये जो पीली पत्ती का है इसकी खपत अपने राजस्थान में लिमिटेड एरिया है, इसी वजह से इसका भाव डाउन है, इसीलिए इसकी डिमांड भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या लग रहा है? पंजाब हरियाणा कहीं नहीं बिकती है, यूपी अभी नहीं बिकती है, बरसात के बाद में यूपी बिकती है। बिल्कुल, अभी हमारे जयपुर के ही लोकल एरिया, राजस्थान का यही भरतपुर तक, इधर ले लो, इधर गंगापुर सिटी ले लो, इधर सवाई माधोपुर तक, इधर अलवर खैरतल तक, बस इस एरिया से बाहर कहीं नहीं बिकती है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत जाता है तो विजयनगर भीलवाड़ा इधर जाता है, थोड़ा बहुत माल जाता है, बहुत कोटा कांकरोली यहाँ जाता है थोड़ा माल, और कहीं नहीं बिकता दूसरी स्टेट में, तो ये कहीं बिकती नहीं अभी फिलहाल। बिल्कुल, बरसात के बाद बिकनी बिकेगी, और वो भी बहुत ज्यादा तेजी होगी तो फिर इसकी डिमांड हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भाव में कम मिल जाती है। तो सर आपके हिसाब से क्या लग रहा है मार्केट कैसा जाने वाला है? अभी तो ये महीना तो ऐसे ही चलेगा। अच्छा जी, कोई तेजी की संभावना अभी नहीं तो कहाँ से, अभी तो किसान को माल बेचना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 14-15 में प्याज बिकता रहेगा, किसान क्यों रखेगा, स्टॉक करेगा नहीं, किसान बेचेगा प्याज। बिल्कुल सर, ये तो आपके हिसाब से जो बढ़िया माल है रोकने लायक होता है, स्टॉक रोकने लायक को रोकना चाहिए, मतलब आगे क्वालिटी सुपर किसी के पास है, किसान के पास, उसको प्याज रोकनी चाहिए, रोकना चाहिए, आगे फायदा मिल सकता है, तो मिलेगा मिलेगा, एक बार तो प्याज में झटका आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी टाइम है उसमें, 2 महीने के बाद ही आएगा प्याज में। बिल्कुल सर, बहुत, वो तो हर साल ही आता है बरसात के बाद तो। बिल्कुल सर, तो सर अपना मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर है मेरा 98-293-77-352, दूसरा नंबर है 94-140-57-352, गुलशन ओनियन कंपनी, ए 12 मोहना मंडी जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको।